हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख एकेडमी एडवर्ड। हम कर रहे थे मास्टर केडर के केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व। मास्टर केडर 4161 एंड 6060 का केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। उसकी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। अदरवाइज मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। मास्टर केडर 3704 का केमिस्ट्री सेक्शन हमने शुरू किया हुआ है, उसके 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करते हैं उसके रिमेनिंग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। क्या इसमें पूछ रहा है, द एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड एग्जिस्ट एज अ हेलोजन ब्रिज पॉलीमर विद कोबाल्ट हैविंग फोर कोऑर्डिनेशन नंबर दिस कंपाउंड एज। तो इसमें क्या है, जो कोबाल्ट क्लोराइड होता है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। ओके, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर तो ये एनहाइड्रस है, उसने क्या पूछा है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, अगर ये एनहाइड्रस है तो इसका कलर होता है ब्लू। और अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर ले लेगा तो इसका कलर हो जाता है पिंक। तो इसने एनहाइड्रस का पूछा था तो इसका एग्जैक्ट कलर है ब्लू, सो इसलिए इसका सी है करेक्ट। क्वेश्चन है, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड वॉज एक्सपोज टू मॉइस्चर, इट विल अब्सॉर्ब हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड मॉइस्चर लेता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये अब्सॉर्ब कर सकता है। तो वैसे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड कंडीशंस फॉर एक्सपोजर, बट मेनली जो कॉमनली जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो मिलता है हमें हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में। ओके, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करता है, अदरवाइज 4 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर। या मॉइस्चर में अगर रख रहे हो, मॉइस्चर ये ले रहा है तो किस कंडीशन के अंडर ले रहा है, और हाइड्रेशन की डिग्री क्या है। ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बट कॉमनली जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करता है और हेक्साहाइड्रेट में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आर द मेजर यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर मेकिंग। तो सोडियम कार्बोनेट का जो मेजर यूज होता है, क्या बनाने के लिए यूज होता है। तो इसमें उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, ग्लास बॉटल्स, अल्केलाइन क्लीनर्स, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फोस्फेट। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट है जो इन चारों में ही यूज होता है किसी ना किसी पर्पस के लिए। जैसे देखो, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें ये यूज होता है एज अ फ्लक्स टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका इन ग्लास प्रोडक्शन। अल्केलाइन क्लीनर्स में यूज होता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, बट फॉर एज ए प्रिकर्सर भी यूज होता है। उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मेजर यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए यूज होता है। इसमें तो ये पर्टिकुलर रोल प्ले करता है ना, मेनली जो एज ए प्रिकर्सर यूज होता है, ये बनाता है, इसको यूज किया जाता है सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए। ओके, एंड सोडियम फोस्फेट बनाने के लिए। सोडियम सिलिकेट है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, उससे क्या बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, एडहेसिव्स एंड सीमेंट। इसलिए इसी तरह सोडियम फॉस्फेट भी बनता है वाटर सॉफ्टनर, फूड एडिटिव एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेरामिक्स। सो जो इसका मेजर यूज है वो है सोडियम सिलिकेट में, उसमें ये सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का। तो इसलिए वैसे तो इसके चारों ऑप्शन ही ओके हैं, सही है, बट जो मेजर यूज है इसका वो है सोडियम सिलिकेट बनाने के। सोडियम सिलिकेट एंड फॉस्फेट दोनों में के लिए ही प्रिकर्सर यूज होता है, बनाने के लिए यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। बट जो सोडियम सिलिकेट ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि उसका फर्दर ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसका मेजर यूज है सोडियम कार्बोनेट का, वो सोडियम सिलिकेट बनाने के लिए यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी, अदरवाइज अगर वो एक और ऑप्शन दे देता ऑल ऑफ दीज तो वो भी करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट देखो, कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कोक क्या है, ये है हमारा एक ग्रे कलर का हार्ड मटेरियल होता है, जनरली ये कोल बेस्ड फ्यूल होता है, इसमें काफी इंप्योरिटीज भी होती है, और ये कोल से ही बनता है जब कोल को हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2 इज अनस्टेबल, इट डीकम्पोज टू प्रोड्यूस। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, वो थर्मली अनस्टेबल ही होता है, और अगर वो डीकम्पोज करता है तो वो देता है हमें ऑक्सीजन एंड वाटर।
देखो ये है जैसे H2O2, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इससे एक तो वाटर निकलता है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड साथ में निकलता है ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन गैस एंड वाटर, तो ये बनता है अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड डीकम्पोज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट सीएफएसी इज शोन बाय, तो हमें मेटल कॉम्प्लेक्सेस पूछे गए हैं, 3D, 4D, 5F एंड 4F, इनमें से सबसे ज्यादा सीएफएसी लार्जेस्ट किसमें दिखती है। तो जो सीएफएसी हम डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, और उसमें हम 3D, 4D एंड 5D मेटल कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं। तो जैसे हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं, 5D ऑर्बिट मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं एज कम्पेयर टू 4D एंड 3D, उनके लिए सबसे ज्यादा इनका सीएफएससी होती है, लार्जेस्ट सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू 4D एंड 3D। एक्चुअल में 4D एंड 5D जो होते हैं इनके लिए जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो लेस चाहिए होती है, पेयरिंग एनर्जी लेस रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसलिए जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस है 4D या 5D मेटल्स बनाते हैं उनके लिए लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर नहीं करती, चाहे लिगेंड आपका वीक फील्ड हो चाहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड, हमेशा जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, पेयरिंग एनर्जी लेस चाहिए होती है, इसलिए जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये जो 4D एंड 5D मेटल्स बनाते हैं। ओके, तो इनके लिए सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पेयरिंग एनर्जी लेस चाहिए होती है, इसलिए अगर पेयरिंग एनर्जी लेस चाहिए है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। ओके, और नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं जो उन्हीं में ही हमारे पास पेयरिंग हो जाती है और सीएफएस एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, लार्ज सीएफएस एनर्जी। सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर, उसने हमारे पास 5D ऑप्शन तो दिया ही नहीं था, उसने 4D और 3D दिया था, 5F 4F हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, हमें सिर्फ डी ऑर्बिटल्स को देखना था। तो इसमें इसके लिए जो सबसे ज्यादा होगी 3D एंड 4D से वो है 4D, तो 4D हमारा करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेंड ऑन ऑब्टेंड एंड क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, तो क्या है कि एन ब्यूटेन लेते हैं, दिस इज एन ब्यूटेन, उसकी क्लोरीनेशन कर दी जाती है और ये उसने प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है हमारे पास, ये बनता है, उसने बोला ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ एन ब्यूटेन, उसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाया, तो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा इनमें से। तो देखो बच्चे क्या होता है, जब क्लोरीनेशन होती है ना, ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, और इसके लिए जो मैकेनिज्म होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसलिए अगर हमारे इसमें क्या होगा, अगर सी क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, इसमें भी फ्री रेडिकल बनता होगा, HCl भी तो निकलना है ना, तो देखो इसमें से अगर फ्री रेडिकल, या तो क्लोरीन क्या इस पोजीशन पे लग सकता है या इस पोजीशन पे लग सकता है। तो इसमें देखो अगर सपोज करो इस पोजीशन पे लगता है, इधर से H फ्री रेडिकल चला जाता है और यहाँ पर CH2 रहने दो, एक तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल लेने वाला बन गया हमारे पास ब्यूटेन, एक बन गया ये वाला, अगर आप सेकंड कार्बन के ऊपर लेते हो। ओके, अब इन दोनों में से देखोगे तो इसके केस में ये वाला जो हमारा फ्री रेडिकल, ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये वाला क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, तो ओके हमारा प्रोडक्ट तो यही बनेगा। ओके, और इसलिए यहाँ पर तो कोई भी Cl नेगेटिव अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल आ रहा है, तो वो अबव द प्लेन भी जा सकता है, बिलो द प्लेन भी जा सकता है, किसी भी साइड से अटैच हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है इसके साथ और बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसके केस में डी और एल फॉर्म नहीं बनेगी, इस केस में रेसमिक मिक्सचर बनेगा हमारे पास, क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन किसी भी साइड से अप्रोच कर सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आना है वो आना है बी, और मेजर प्रोडक्ट भी यही बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी, तो SN2 रिएक्शंस होती हैं जो, वो उसके लिए क्या होता है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके, अब बच्चे आपको पता है ना SN1 के अंदर क्या बनता है, हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, और SN2 जो प्रोसीड करती है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है, और ये क्या रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सपोज करो अगर इसमें ये वाला इसने दे रखे हैं हमारे पास तीन XR
इसी तरह इसको ऐसे बना लो आप। रिएक्टिविटी देखनी है ना आपने, इसके लिए अब तीनों आर ग्रुप लगा दो। अल्काइल हैलाइड्स लिए है ना उसने सब्स्टिट्यूटेड, अब दो एच लगा दो, एक आर यही लिया हुआ उसने। अब तीनों के केस में देखो, अगर कोई सपोज करो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, SN2 है, तो ऑब्वियस इसमें एक्स नेगेटिव रिलीज होगा, इधर से एक्स नेगेटिव जाएगा ना, लीविंग ग्रुप है इसका, तो अगर एक्स नेगेटिव तभी जाएगा इधर से, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफाइल SN2 में क्या है, अटैक करता है बैक साइड डायरेक्शन से, और इसलिए SN2 में क्या मिलती है हमें, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसमें देखो अगर न्यूक्लियोफाइल इस इधर भी अटैक कर सकता है, ओके इस बैक साइड से अटैक करेगा, ये बात तो क्लियर होगी, इसमें भी बैक साइड से अटैक करेगा, इस केस में भी बैक साइड से अटैक करेगा, बट जो SN2 होता है उसमें जो SN2 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी वो डिपेंड कंट्रोल होती है, रिएक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय स्टेरिक फैक्टर, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसमें रिएक्टिविटी कम होगी। अब इसके केस में देखो, जैसे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, इसके केस में दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके केस में तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके केस में एक है, तो अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है ये क्या है, टर्शरी, ये क्या है। तो अगर प्राइमरी की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही आर ग्रुप लगा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, अगर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी की जिसमें दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, एज कम्पेयर टू टर्शरी जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, टर्शरी के केस में, देन सेकेंडरी के केस में, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में। तो अगर जिसमें सबसे ज्यादा ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर है बच्चे, तो जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उसके पास न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बैक साइड से जल्दी अटैक नहीं हो सकता, इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं जो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक तो ये ऑप्शन है, और सबसे कम है टर्शरी की, तो एक ही टर्शरी की इसमें दिखा रखी है, तो बीच में है जो वो रहेगी प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, उसने पूछा है कि कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या है, देखो ऐसे एल्कीन दी है कोई, क्लियर, ये एडिशन रिएक्शन है, एच बी आर एड होना है, ऑब्वियस इधर से क्या जाएगा, एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव। अगर एच पॉजिटिव जा रहा है तो देर आर टू चांसेस, अब ये वाला मॉलिक्यूल के अगर आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, इसमें क्या है, देर आर टू चांसेस, एच पॉजिटिव उसके पास जाएगा ना जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, ओके दो चांसेस है, या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा पाई बॉन्ड ना, जहां तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अदर पॉसिबिलिटी क्या है बच्चा इसमें, यहाँ क्या हो सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जा सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब इन दोनों के केस में देखो, इन दोनों के केस में कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कार्बेनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो कार्बोकैटायन अगर देखोगे, इसमें ये कार्बोकैटायन है उसके तीन साइड कार्बन है, ओके इसके क्या है जो कार्बोकैटायन है उसके दो साइड कार्बन है, तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये है टर्शरी, ये वाला कौन सा है सेकेंडरी, तो कार्बोकैटायन जिसमें ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियस ये वाला हमारा मेन जो हमारा इंटरमीडिएट है वो बनेगा। अब अगर ये ऐसा है तो इट मीन ये है कि जो पाई अटैक करेगा एच पॉजिटिव के ऊपर, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो एच कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ओके तो हमारा क्या बन जाएगा, इधर देखोगे अगर तो कार्बोकैटायन हमारा इधर ही बने रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करा पाई बॉन्ड ने, यहाँ पर एच लग गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब बी आर नेगेटिव बच्चे कहाँ लगेगा, यही लगेगा जहां उसे पॉजिटिव दिखाई दिया, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, देखो कहाँ बन रहा है ये वाला पी, तो ये है बी इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ अ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें क्या है, फिनोल को रिएक्ट करवाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फाइनल रिएक्शन बतानी है, तो ये बच्चे जो रिएक्शन है ये है आपकी कोलबेस सेकमिट रिएक्शन। कोलबे सेकमिट रिएक्शन है ये वाली। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिंपल ही है, अपने आप अगर पढ़ के जा रहे हो तो केमिस्ट्री सेक्शन अगर करना है तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक तो करके जाओगे। बेसिक नेमिंग रिएक्शंस, उसकी मैं वीडियोस बना रही हूँ, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स की भी रिएक्शंस आ रखी हैं, अमाइंस की रिएक्शंस भी पूछता है वो, तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड अमीन्स है जो, उनकी जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है वो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, उसकी वीडियोस अपलोड हो रखी है, आपको विजिट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या है, फिनोल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, हमारा बेस है, ऑब्वियस ये बेस का काम क्या है, मैं बार बार बोलती हूँ ये याद रखना, बेस का काम क्या है, प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करना। किस प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही सबसे पहले NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ, इस H को यहाँ से ले लेगा और इधर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, तो फिनोल से सबसे पहले क्या बन जाता है, फिनोक्साइड आयन, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, इसके साथ लग जाएगा Na पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, हमारा वाटर, ये आ गया फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखो क्या है, CO2। अब ये इलेक्ट्रॉन वापिस आएंगे एस, जैसे वापिस आते हैं ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहां से आ जाएगा ओ नेगेटिव, इसको इधर ले चलते हैं, क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां से अटैक हुआ था तो ये कार्बन यहाँ पर आ जाएगा ओ नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड। इतनी बात क्लियर है बच्चे। उसके बाद देखो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, Na पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, H, और यहाँ पर भी एक H है। अब देखो ये वाला बन गया, अब यहाँ पर जो H है वो क्या करेगा, यहाँ अपने वापिस से अगर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, यहाँ पर जाके एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक किया था इधर से, तो वापिस से एरोमेटिसिटी मेंटेन तो करनी है, यहाँ से एच चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देके और किसके पास चला जाएगा, यहाँ ओ नेगेटिव है तो इसके साथ लग जाएगा ये वाला एच पॉजिटिव, तो हमें हमारे पास ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, तो ये है एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ये वन कार्बन हो गया, ये टू कार्बन हो गया, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी, ये क्या है हमारा बेंजोइक एसिड, बाकी का टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इसमें हमारा जो मेजर प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो बच्चे जो अब 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये 3704 मास्टर कैडर के केमिस्ट्री सेक्शन के, बाकी हमारे रहते हैं 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की वीडियो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी। ओके, आप अपनी प्रैक्टिस करो, अगर आपको कुछ भी डाउट है, फीडबैक देनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बिना जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस अमीन्स की, अब मैंने जब तक जो भी मैंने स्टडी करा अभी तक, अमीन्स की आ रही है, एल्डिहाइड कीटोन्स की आ रही है, जो भी इम्पोर्टेंट है रिएक्शंस उनकी मैंने वीडियोज अपलोड की हुई है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से देख लेना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप कोई भी अगर टॉपिक एक्सपेक्टेड है जो आप चाहते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा और उसमें से ज्यादा आता है पेपर, तो आप मुझे बता देना, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगी, समझा दूंगी उधर। ओके, तो अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, यही मुझे मोटिवेट करके रखता है, तो इस तरह मैं सारे के सारे केमिस्ट्री सेक्शंस सॉल्व करके उसकी वीडियोस डाल दूंगी। ओके, प्रैक्टिस करो अपनी, थैंक यू।